चैनल। तो फ्रेंड्स, जैसे मैंने बताया था कि मेरा बर्थडे 1 मार्च को था एंड मेरा सेलिब्रेट नहीं हो पाया, बिकॉज दिन शिवरात्रि थी तो और बाकी दिन वीकेंड थे। तो मैंने आज, हम लोग थोड़ा ऑफ है ऑफिस से, तो आज हम लोग बाहर आए हैं और लोग हम यहाँ पे कुर्ला आए हैं एंड हम लोग ट्रेन से आए हैं। वो जर्नी भी आप देख लीजिए, मैं आपको दिखाती हूँ सब। और हम लोग आगे बहुत ज़्यादा मस्ती करने वाले, इन्जॉय करने वाले हैं। तो चलिए मेरे साथ बने रहिए और इस ब्लॉग को क्या क्या अच्छा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन जरूर बताएगा। तो चलिए मेरे साथ। स्टेशन आ गया है सोते सोते, आज तक ये समझ नहीं आया है। यहाँ मेरा बेटा सो रहा है, मेरा हस्बैंड सो रहा है, बेटी क्या कर रही है, कहाँ है वो, जा रही है, वही सोच रही कब आएगा। राइट, क्या खराब हो गया आपका क्लिप? नहीं, क्लिप खराब नहीं हुआ, पतली बराबर है। ओके, हैप्पी। स्टेशन आ चुका है और हम लोग फ्रेंड्स नीचे उतर चुके हैं। अभी हम लोग चल रहे हैं अपने लिए और नीचे उतर रहे हैं और ऑटो लेने के लिए चल रहे हैं। तो और बस जल्दी 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 चलो, बच्चों को हस्बैंड ने संभाल रखा है, बिकॉज मैं थोड़ा वीडियो शूट कर रही हूँ। तो अभी हम लोग बाहर रोड पे आ गए हैं और आप देख रहे हो यहाँ पूरा मार्केट लगा हुआ है, या बैंड्रा मेट्रो मॉल में जा रहे हैं जो फ्रॉनिक्स नाम से है। आगे दिखाते हैं, फिलहाल हम ऑटो ले रहे हैं। फाइनली हमें ऑटो मिल चुका है। स्वेटर पहन हो गया? नहीं, पहनना है। दर्श की मस्ती चालू हो गई, दर्श की मस्ती चालू हो गई। दर्श कहाँ जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो, क्या वैक्सीन का सर्टिफिकेट देखकर हमको अंदर एंट्री मिलेगी। अच्छा भी, एकदम सेफ भी है कि अगर वैक्सीन सर्टिफिकेट है तो अंदर जा सकते हो। अगर नंबर से कहना का जो इंटीरियर है ना फ्रेंड्स, बहुत ज़्यादा अच्छा है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। जगह जगह इतने स्टैचू, इतना अच्छा व्यू है अंदर देखने का, बहुत ही ज़्यादा उसका इंटीरियर अच्छा लग रहा है। आपको कैसा लगा है आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अभी हम नीचे की तरफ आ रहे हैं और अभी हम थोड़ा खाने के लिए जा रहे हैं, बिकॉज सुबह में थोड़ा टाइम है तो इसलिए अभी थोड़ा भूख भी लगी, तो सुबह थोड़ा पेट पूजा की जाएगा।
कि हम लोग बहुत ज़्यादा थोड़ा उनसे एक जगह नहीं मिला खाना पीना, थोड़ा पेट भर चुका है। अब हम स्नो की तरफ चलते हैं। स्नो में थोड़ा टाइम था और भूख भी लग रही थी तो इससे पहले खा लिया, तो अभी चलते हैं। चलो स्नो की तरफ। फ्रेंड्स यहाँ पर सब लोग कपड़े पहन रहे हैं, यहाँ पर शूज कपड़े अवेलेबल होते हैं, तो अपने को ये सब पहनना पड़ता है इधर। और हम लोग भी पहन चुके हैं, पूरे अंदर हो गई है। तो मजा आ रहा है इतना अंदर घुस के, इतना अच्छा है। कौन कौन गया है, जो जो गया है उसका एक्सपीरियंस भी शेयर करना। तो फ्रेंड्स अभी हम ये वहाँ से बाहर निकल के बेलटा फोर्ट में आ गए हैं। एक फोर्ट है जो कि बहुत ज़्यादा सुंदर है, और अब मैं आपको ये दिखाती हूँ पूरा इसका नज़ारा। आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा ओसम लग रहा है। आपको इसे देख कर कुछ याद आए ये क्या पर क्या हुआ था? नहीं याद आया तो मैं दिला देती हूँ। यहाँ पर बॉडी गार्ड एंड जाने तू जाने ना की शूटिंग हुई थी। ये देखो ये जो ये फोर्ट है इसके पास ही हुई थी, ये बना हुआ है। आपको कुछ याद आया? जिस जिसको याद आया मुझे बताओ। एंड यहाँ पर ऐसे यहाँ का नज़ारा है ना, मतलब कि इवनिंग में बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। यहाँ पर ही एक लड़का जो डांस कर रहा है वो इस पर डांस भी बहुत ज़्यादा सुपर था, मतलब बहुत ज़्यादा अच्छा अच्छा डांस किया। यहाँ आज शाम को इतना ज़्यादा हमें रश होता है, इतना क्राउड होता है, बहुत ज़्यादा कहते हैं ना अच्छा लगता है, इतना ज़्यादा अच्छा लगता है इधर। तो ये भी आपको यहाँ का बिल्कुल नज़ारा एकदम प्यारा वाला है। और यहाँ पर ऑलमोस्ट बहुत शूटिंग होती है। गार्डन आप देख रहे हैं, इस गार्डन में आपको ध्यान तो आ रहा होगा थोड़ा थोड़ा। ये आप पूरा प्लेस देख रहे हैं, पूरा एक ही है जो पूरा है, जिसमें ये गार्डन बना हुआ है, ऊपर थोड़ा फोर्ट बना हुआ है, नीचे बैठने के लिए बेंचेस वगैरह हैं, और थोड़ा आगे चलेंगे तो काफ़ी वाटर वगैरह मतलब। तो यहाँ पर ये सब चीज़ें हैं और बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर अच्छा लगता है। शाम को बैठेंगे इसके बाद। शाम हो चुकी है और अभी बहुत थकान हो चुकी है पूरा दिन घूम के। और अभी हम लोग एक मुंबई में बैंड्रा में एक रेस्टोरेंट में आए जिसका नाम कैंडीज है, और जिसका व्यू वाकई में बहुत ज़्यादा अच्छा है। सर चलिए मैं आपको दिखाती हूँ।
का व्यू सही में ना, मतलब आप कोई बैंड्रा में रहते हो ना, मुंबई बैंड्रा में आप कहीं रहते हो, बैंड्रा में कहीं रहते हो, कैंडी में अपना ही आए तो प्लीज आके देखो, सच में ना मतलब उसका व्यू देख के पागल हो जाओगे। इतना इतना ज्यादा अच्छा व्यू है ना, सही में बहुत ज्यादा अच्छा है। और अभी मेरी शक्ल आप देख रहे हो कितनी गंदी हो चुकी है, बहुत थक चुके हैं। तो चलिए अभी मैं फिर आपसे आगे फिर मिलती हूँ, मुझे इसका बताना आपको ये व्यू कैसा लगा। बिरयानी आ चुकी है और मैं प्लेट में सिर्फ थोड़ा सा ही सर्व किया है, और अभी मेरा ये थोड़ा स्टार्टर भी बचा है, जैसे ये आलू चाट जो मैं बोल रही थी तंदूरी आलू चाट, ये थोड़ा सा ही बचा, इसको फिनिश करने वाली हूँ। ये फ्रेंच फ्राई अपने बेटी के लिए मंगाई थी, लेकिन अभी वो उसकी मस्ती चालू है, वो आएगी तो वो खाएगी, उसको ये फ्रेंच फ्राई बहुत ज़्यादा पसंद है। और बाकी का ये थोड़ा कर्ड वही सब, और बस इसको फिनिश करके फिर हम लोग घर की तरफ निकलेंगे। तो फ्रेंड्स मैं आपको ये ब्लॉग यहीं खत्म करती हूँ, लेकिन आप लोग कहीं नहीं जाइएगा, आप लोग ब्लॉग के एंड तक बने रहो, देखिए कि मुझे जिसने जो जो गिफ्ट दिया आपको उसमें से सबसे अच्छा गिफ्ट कौन सा लगा। और वॉल्यूम शायद बराबर नहीं आ रहा है क्योंकि अभी म्यूजिक बहुत लाउड चालू है। तो फ्रेंड आपको कहीं होगा कुछ सभी पसंद आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय, गुड नाइट। फ्रेंड म्यूजिक बहुत ज़्यादा लाउड चालू है तो वॉइस है जो बराबर क्लियर नहीं आ रही है। तो अभी ब्लॉग मैं यही ख़त्म कर रही हूँ, आई होप आपको सब अच्छा लगा होगा। बहुत कोशिश की बराबर बनाने की, मेरा फ़ोन ऑलरेडी हैंग हो चुका है तो मेरी आधी तो वीडियो बन ही नहीं पा रही है, उसमें वो बन नहीं पाया तो दूसरा फ़ोन लेके हस्बैंड का फ़ोन लेके थोड़ा ये शूट किया है। काफ़ी सारी वीडियो शायद मुझे ऐसा लग रहा है उसमें कट गई है, मुझे ऐसा लग रहा है, बट मैं पूरा कोशिश करिए बहुत अच्छे से बनाने की। आई होप आपको सब अच्छा लगा हो, और आपको उसमें क्या अच्छा लगा वो मुझे कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, और आपको उसका गिफ्ट ज़्यादा अच्छा लगा वो भी मुझे लिखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, एंड प्लीज पूरा गिफ्ट ये देख के जाइए किसका कौन सा गिफ्ट ज़्यादा बेस्ट है। देख कर बाय बाय, फिर से कभी दोबारा जल्दी मिलूंगी आपसे मैं कोई नया वीडियो लेकर। थैंक यू, बाय बाय। फ्रेंड्स आपने ब्लॉग तो देख ही लिया है, ब्लॉग आपको कैसा लगा? शिवरात्रि थी तो वो ब्लॉग मुझे थोड़ा लेट बनाना पड़ा, और उसमें आपको बताते हैं केक कटिंग वगैरह फिलहाल मेरा कुछ नहीं हुआ, नेक्स्ट टाइम अच्छे से सेलिब्रेट करेंगे। बट ये जो था शिवरात्रि का मौका भी किसी किसी को मिलता है, तो जो भी मुझे मिला तो मेरे लिए बहुत अच्छा था ये सब। तो अभी आप मुझे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आपको इस ब्लॉग में सबसे ज़्यादा अच्छा क्या लगा। और अब आता है गिफ्ट्स का टाइम, भी किसने मुझे क्या दिया है, और गिफ्ट आप अच्छे से देखो और मुझे कमेंट सेक्शन में ये भी जरूर बताइएगा किसका गिफ्ट आपको सबसे ज़्यादा अच्छा लगा। तो शुरुआत करते हैं मेरी बेटी के गिफ्ट से। तो आप देख सकते हो उसने मुझे चॉकलेट दी है, और आप देख सकते हो पूरा आधा ज़्यादा खाली हो चुका है। ऐसे उसने कहा मम्मा हैप्पी बर्थडे, एंड उसने मुझे चॉकलेट दिया, देन उसने रिटर्न कि अभी आपका हो गया अभी मेरे लिए। तो इसमें से उसने आधा ज़्यादा खाली है और थोड़ा सा बचा है, तो सोचा कि पहला को दिखा दो बिकॉज ये कल नहीं बचे। दूसरे मुझे ये बहुत अच्छी चॉकलेट दी है जो कि मेरे लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल है। उसके बाद आता है मेरी सिस्टर जिसने मुझे दिल्ली से गिफ्ट भेजा है, जिसका चैनल भी है वर्ल्ड ऑफ चारू कुशांग, आप उस चैनल पर जाकर सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, आप जा डालिए उस पर आप नए नए ब्लॉग नई नई चीज़ें उस पर आप देख सकते हैं। तो चलिए उसका गिफ्ट भी निकालते हैं। उसने मुझे ये भेजा है, एक उसने मुझे एक टॉप भेजा है, एक डमी भेजी जो कि बहुत ज़्यादा अच्छी है। मेरे लिए तो वैसे सब सारे गिफ्ट बहुत अच्छे हैं, जैसे लड़कियों को गिफ्ट का क्रेज़ भी बहुत ज़्यादा रहता है, नहीं आप में से किसी को गिफ्ट का क्रेज़ रहता है जल्दी मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा रहता है, हकीकत है। तो उसने मुझे ये प्यारा सा एक टॉप भेजा है, देख सकते हैं आप, पूरा हाईनेक एक टॉप है ये देख सकते हैं। एंड उसने मुझे सेकेंड उसने मुझे ये डंगरी भेजा है जो कि बहुत ज़्यादा प्यारी है, एंड एकदम थोड़ा फंकी लुक है, लेकिन थोड़ा लूज एंड नीचे से इस तरह ये टाइट, तो बहुत ज़्यादा ये प्यारी है। तो आप मैं इसको ओपन करके दिखा देती हूँ, देखिए तो ये पूरा, तो उसने मुझे ये प्यारी सी डमरी भेजी, थैंक यू चारू तुमने जो मुझे इतना प्यारा जो ये गिफ्ट दिया है, तो ये बहुत अच्छा है। किसी ना किसी दिन मैं ये पहनने वाली हूँ, जिस दिन ये पहनूंगी उस दिन जरूर मैं आपको संग ये शेयर करूंगी, ऑब्वियसली कहीं जाऊंगी बाहर तो जब डेफिनेटली इसको पहनूंगी और वापस ज़रूर शेयर करूंगी। उसके बाद आ जाता है ये मेरे भाई की गिफ्ट पे, इसने मुझे एकदम प्यारा सा ये हैंड बैग भेजा है, हैंड बैग मुझे गिफ्ट किया है जो कि बहुत ज़्यादा ये प्यारा है, और इसमें इतना ज़्यादा स्पेस है ना, कुछ भी सामान रख सकते हैं, मुझे दोनों बच्चों संग में काफ़ी सामान लगता है एक्चुअली। फिर ये बैग उसके लिए,
और इसका जो डिज़ाइन है एकदम बहुत प्यारा, और स्पेस देख सकते आप कितना ज़्यादा है, और इसमें मोबाइल के लिए एंड कुछ छोटा वगैरह सामान उसके लिए अलग से पाउच है, और अंदर एक चेन है जो कि बहुत ज़्यादा प्यारा लग रहा है। देखो आप देख सकते हैं ये, जो कि मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। उसके बाद आते हैं मेरे फादर इन लॉ के पे, उन्होंने मुझे एक कॉइन गिफ्ट किया, उन्होंने सिल्वर कॉइन जो कि मैंने अभी अंदर रख दी है, तो सॉरी वो मैं निकाल नहीं पाई, बट एक सिल्वर कॉइन उन्होंने मुझे गिफ्ट किया है। एंड आते हैं मेरे डियर हस्बैंड पे, तो उन्होंने मुझे एक ये टॉप गिफ्ट किया, जैकेट टाइप का जो हम किसी भी और ड्रेस के ऊपर कैरी कर सकते हैं, चाहे वो हम जीन्स पहनो आप, चाहे वो शॉर्ट्स पहनो या कुछ ही पहनो, मतलब आप क्रॉप टॉप हो या स्पेरेडी कुछ भी हो, मतलब कि इस पर हम लोग इसको कैरी कर सकते हैं। प्यारा सा ये ड्रेस टॉप मुझे गिफ्ट किया, एंड एक मुझे उन्होंने गाउन गिफ्ट किया है जो कि बहुत ज़्यादा अच्छा है। सिर्फ एक मुझे उन्होंने ये गाउन गिफ्ट किया है। तो फ्रेंड्स ये थे मेरे कुछ गिफ्ट्स जो मुझे मिले हैं मेरी फैमिली से, तो इनमें से आपको कौन सा गिफ्ट ज़्यादा अच्छा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताएगा। बाकी का तो ये मुझे गिफ्ट तो मेरे लिए तो सारे ज़्यादा अच्छे, बट आपको कौन सा ज़्यादा अच्छा लगा वो जरूर मुझे बताएगा, और इस ब्लॉग में आपको सबसे ज़्यादा अच्छा क्या लगा वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताएगा। तो थैंक यू फ्रेंड्स, आप लोगों ने मुझे इतना प्यार दिया। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, अगर आप वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिए, और प्लीज़ मेरे चैनल को शेयर भी कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।